नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचर देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा माही देह व्यापार चलावे वाली सितारा के अड्डा माही आज कार्रवाई भय जौने के आज गिरा दिन का। अब कुछ दिन पहले बड़ी कार्रवाई कई के पुलिस सरगना सितारा के साथ धंधा में लिप्त 5 महिलाओं के साथ उनके ग्राहकनों का हिरासत में ले रही है। ये जानकारी रही कि सितारा हॉस्पिटल चौक में बने अपने गुमटी से देह के व्यापार चलावत रही जोने का आज जब्त के लिए गहबर। सतना के वेंकट क्रमांक एक स्कूल के ईवीएम के देख रेख में लगे पुलिस वाले दारूपी के अपसय में भिड़ गए। स्कूल में ही मारपीट करके पेट नहीं भरा तो अस्पतालों में जाए के हंगामा करे। शराब के नशा माही चूर सोप करण सिंह ठीक से खड़े नहीं हो पावत लाघमा। अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ अस्पतालों में लात घूसा चलाइन। वहाँ जब मीडिया अधिकारी से बात करे चाहिन तो मना कर दिन। अपना को बता दे कि ये पुलिस वाले ईवीएम के ड्यूटी में ही मुरैना से सतना आए हम। जे हमारे अधिकारी है ना, हमारे साथ मार पीटी थी श्रीमान एसआई रामरन सिंह गुर्जर साहब। बिंद के पहले और अपने मध्य प्रदेश के तीसर बिंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन 7-9 तारीख का ही सीधी के वैष्णवी गार्डन में आयोजन कीन जात लाघ है, जहां 40 देशन के 350 फिल्म हिस्सा लेती लाघमा। बेहतरीन 3 फिल्मन का ही पुरस्कार दिन जाई। अपने को बता दें कि ये महोत्सव में ही मुंबई के निर्देशक और अभिनेत्री प्रतिभा सुमन, अन्नपूर्णा सोनी और अभिनेत्री बासु सोनी के साथ मध्य प्रदेश और विंध्य के नए फिल्मकार और सिनेमा प्रेमी के भीड़ देखने का मिली पार्टिसिपेट करेंगे। दरअसल फिल्में तो बहुत सारी हैं, 300 फिल्में हैं और 40 देशों से फिल्में आ रही हैं, लेकिन स्क्रीनिंग करने के बाद लगभग 20 से 25 भाषाओं की लोक भाषाओं की फिल्में वहां पर प्रसारित होंगी। और ये सीधी में डॉक्टर आलोक मिश्रा जी के आयोजन में वैष्णवी गार्डन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उसमें कई सेगमेंट हैं और हर चीज़ें निर्धारित हैं। क्योंकि जब फिल्मों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले कर लिया जाता है और उसकी जो जूरी कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। फिल्मों को 3 स्तर में भी डिवाइड किया गया है, जैसे भाषाओं के हिसाब से कि राष्ट्रीय स्तर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और एक स्थानीय स्तर। क्योंकि हम जब किसी भी फिल्म को अवार्ड के लिए शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से उसे कई सेगमेंट में डिवाइड करके उसे हम निर्धारित करते हैं। तो वैष्णवी गार्डन पर हम सभी कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, सभी जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि ट्रांसफेम संस्था के ये निर्देशन में हो रहा है और इंद्रावती नाट्य संस्था। बैंकिंग के क्षेत्र में ही अग्रणी रहे वाले यूनियन बैंक रीवा में सरल लाइट सिस्टम शुरू कीनगा, जोने खातिर परिसर के उद्घाटन क्षेत्र के महाप्रबंधक रूपलाल मीणा करी। प्रदेश के 125 रीजन में ही 11 में सरल लाइट सिस्टम लागू हबे। यह सुविधा मिले से उपभोक्ता का अब कम समय में बैंक से जुड़ी ज्यादा सुविधा मिल पाई। एक साथ है यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रीमा के सगरा में ही 4 दिसंबर का महाप्रबंधक और क्षेत्र के प्रमुख राजीव रंजन गए, जहां परिसर में बने कंप्यूटर लैब के उद्घाटन करें। अपना को बताए दी के संस्थान के नींव मीणा जी रखे रहे हम, जो उनके अब स्वरोजगार के क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण काम कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में ही मीणा जी परिसर में आंबा के पौधा के रोपण करी। बुलेटिन की अगली खबर रही सिलपरा से, जहां अतिक्रमण के कार्रवाई है। अपने को बता दें कि नगर निगम और प्रशासनिक अमला पहुंचा जहां कार्रवाई करी। अपने को बता दें कि नगर निगम और प्रशासन के अमला पहुंचा जहां कार्रवाई करी। यहां 5 साल से अतिक्रमणकारी कब्जा करे रहे हम, जोने में आज नगर निगम के गाज गिरी हबे। देखी कार्रवाई के वीडियो। खबर जुड़ी हवे रीवा के जन सुनवाई से, जोने के हाल अब दिन दिन बेहाल हो जाला हवे। अपने बताया दे कि यह जन सुनवाई मंगलवार का था आयोजित हो लाही हुए, पर
खाना पूर्ति बन के रही गए। जोने माही दूर दराज से लोग न्याय के आस लेके आवत हमा पर मात्र खाना पूर्ति करके उनका वापस लौटे परत हवे। कई बार मीडिया ए मुद्दा का उठावो है लेकिन जन सुनवाई के हाल में कोनो विशेष सुधार नहीं आए रहा। आज जन सुनवाई में पुनी पीड़ित अपन दुख लेके आए पर सिर्फ कागज जमा कराए के उनका वापस भेजा जा रहा है। सर मैं कोरोना काल के पूर्व भी आया करता था और कोरोना काल के बाद भी आया हूँ। एक गुण तहसीलदार द्वारा आदेश किया गया लेकिन उसके पालन है मैं आज 3 वर्ष से भटक रहा हूँ और 5-7 आवेदन जिलाधीश महोदय को दे चुका हूँ लेकिन आज जन सुनवाई आज के दिन क्या आश्वासन मिला है? कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर और इस बार पटवारी केवल जांच के लिए आता है और आई साहब वो भी नहीं आते हैं तो उसमें पटवारी के समक्ष मेरे को मारा पीटा गया है सर। चारों कई अफरा तफरी के माहौल बनेगा। अपने को बता दी कि महाकाल बस जौन रीवा से बरगढ़ आवर रही और अतरैला कई जात रहा है। एक थे बाइक वाले का बचाव के चक्कर में दोनों आपस में भिड़ गए। अब वह कतरा लोग घायल भी है एकर पुष्टि नहीं लगी है पर मौका में स्थिति का नियंत्रण में रखे खातिर पनवार और अतरैला पुलिस मौजूद रही। हम बचाने के चक्कर में एक हाईवे चला आ रहा था पनवार तरफ से तो दोनों में टक्कर हो गई बस और हाईवे में जिससे बस में आग लग गई और तत्काल पुलिस को पता लगा। वहाँ सोसाइटी की थी पास में ही सोसाइटी के लोगों ने जाकर तत्काल मदद की। बस में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला फटाफट तेजी से। कोई मतलब गंभीर रूप से घायल नहीं है। कुछ लोगों को वहाँ जवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया और एक दो व्यक्ति जो हैं थोड़ा सा जिनको जब चोट लगी थी फ्रैक्चर था उनको सिरमौर भेज दिया गया है। बस 1 जनवरी के सांझ के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गांव से चंद्रभान दाहिया के बूढ़े के खबर मिली रही। जोने के जानकारी भय के बाद पुलिस गोताखोरन के सहायता से तलाश करत रही है। इस दौरान नहर के पानी बंद कराए दिन गा रहा लेकिन सब का हेरे में बहुत दिक्कत जा रही। अपने बताए दी कि नहर में डूबे अधेड़ के अब 72 घंटे के बाद शव मिला हवे जो उनके सिलपरावा बरामद भा हवे। वहाँ सब के पोस्टमार्टम करके पुलिस परिजन का सुपुर्द कर दी हुए। वहाँ गोविंदगढ़ पुलिस मामला के जांचों कर रही है। अपने बताए गई कि सुहागी के टमस नदी में लापता युवक के 4वें दिन कोनो सुराग नहीं मिला है जोने के तलाश अब कीन जा रही है। अपने रीवा में ही चोरी के वारदात रुकई के नाम नहीं लेत लागी है। अपने बताए गई कि कहाँ बदमाश आए दिन ताला तोड़ के घरे के सामान उठा ले जा था तो कहाँ बड़ी वारदातन का कई दे थमा जोने के बाद पुलिस केवल FIR कई के खाना पूर्ति कर ले थी। अपने बता दी कि ताजा मामला रहा कलवारी के जहां रामकृष्ण पटेल के घरे में घुसे बदमाश सोना और चांदी के जेवर साथ में 10,000 रुपये चुराए ले गए। पीड़ित बताएं कि 50,000 रुपया के करीब के उनका गहना जेवर चोरी भा जकर शिकायत दर्ज की गई है। वह दूसर घटना लौर थाना में पंचायत भवन में भय जहाँ के भवन में ही LG TV और 75 बोरी अनाज बदमाश चुराए ले गए। मामला अब संदेह के जरा ला है जोने माही चोर ताला तोड़ के पंचायत भवन में घुसे और उनके भीतर लगे TV और अनाज का चोरी कर ली है। बुलेटिन के अगली खबर है मऊगंज से जहाँ के बनपाड़ा माही ट्रैक्टर मलोड धान के गहाई करे खातिर मशीन के पलट जाए से टाली में बैठे रत्नेश कुमार साकेत पिता मुन्ना लाल साकेत जिनका उम्र 16 वर्ष रही उनकर मौत हो गए जबकि उनका दूसर साथी मोहन साकेत घायल होगा जिनका उपचार खातिर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गया है। अपने बताया गया कि मृतक के परिजन हत्या के आरोप लगाएं और अस्पताल में हंगामा करें। वहां पुलिस जब समझाइश दी तो जाए के मुदरिया मोड़ पहुंचे जहां पुन के अपने मागन कलाई के चक्का जाम करें। मौका में भारी पुलिस बल पहुंचा और समझाइश दी जिनके बाद जाए के परिजन चाक घाट मोड़ पहुंचे और वहां हंगामा कई के जाम लगा दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ला अब अपराधियों के अड्डा बना हवे। कुछ दिन पहले फल के दुकान में चोरी के आरोप लगावे से खिसियान युवक के साथ जमकर मारपीट भय। खबर बताई के घटना के शिकायत थानों में दर्ज कराई गई रही है। पुलिस मामला दर्ज करी पर पीड़ित अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हमा और कहानी कुछ और बताए रहे हमा। वहाँ पुलिस का ही मारपीट के लाइव वीडियो दिखाई नहीं जोने माँ आधा दर्जन युवक उनके साथ लाठी डंडा से जहां मारपीट कर रहा हमा वहाँ कई सामान मंगावे के बात कर रहा हाँ जो खबर बताई कि यह सामान
कोनो और चीज नहीं बल्कि कट्टा के बात कर रहा हम। किस चीज से मारे हैं? डंडे लाठी से, मतलब उसके पास औजार भी रहा कट्टा निकालने के लिए। मेरे पास एक लाइव वीडियो भी है, उसका वीडियो मैंने आज दिया, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे साथ एक घटना हुई है अपने पुल के नीचे कमल के द्वारा। इसकी शिकायत आपने की है एसपी साहब? शिकायत मैंने आज एसपी साहब को बताया, मैंने वीडियो भी दिखाया। तो भैया बहने आज के बुलेटिन में अतने, बघेली में समाचार खातिर देखत रही हमारे अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।